सो दोस्तों, दिन था आज का 8 मार्च और महाशिवरात्रि का दिन। और आज वो दिन था जिस दिन मैं अपने एक ड्रीम पूरा कर रहा था। मतलब कि मेरा एक सपना था कि मैं भी ऐसे कभी बाइक लेके निकल जाऊँ कहीं पे मस्त घूमने के लिए। हाँ, ये थोड़ी सी छोटी राइड होने वाली थी, बट इसमें हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलने वाला था कि हम कैसे राइड करनी है, कैसे सब कुछ मैनेज करना है। बिकॉज़ आप एक प्रोफेशनल राइडर बनना चाहते हो, ना कि छपरी राइडर, समझ रहे हो। तो हाँ, मस्त सा व्लॉग है, आप इंजॉय करना, पसंद आए तो लाइक वगैरह करना। और यहाँ पे मैं कुछ अपनी खुद को टाइम देते हुए, मतलब कि खुद के लिए टाइम देते हुए ये राइड कर रहा था। तो इस राइड पे मैं पहले तो गांव जाता हूँ, दर्शन करने के लिए मुझे जाना था। और वहाँ से मैं कुछ कुछ जगहों पे जाता हूँ जो आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह 4 बजे मम्मी यहाँ पे मेरे लिए नींबू पानी बना रहे थे। टाइम में मिस्टेक थी, अभी 4:10 होने वाले, ये थोड़ी सी आगे हो गई थी घड़ी। एक ये वाला है हमारा हैंड बैग और ये वाला है हमें जो पीछे लगाना है बैग। तो मैंने बंजी स्कोड और ये रबर बैंड ले ली है ताकि ये वाले बैग को मैं पीछे से अच्छे से माउंट कर पाऊँ। तो सामान वगैरह मस्त रेडी। और ये रहा अपना माउंट कैमरा के लिए, ये रहा अपना हेलमेट, बाइक अपनी रेडी है। पापा आए थे हमें ड्रॉप करने के लिए। सो देखो, बैग को हमने कुछ इस तरीके से बांधा है। यहाँ पे अपनी बाइक को स्टार्ट करते और गणपति बप्पा मोरिया, जय माता जी, जय राधे राधे। मिरर सेट करते हैं और लेट्स गो। गणपति बप्पा मोरिया, बताना व्यू कैसा आ रहा है। मुझे कुछ पता नहीं है, आवाज़ भी कैसा आएगा वो भी नहीं पता है। तो हम हमारी फर्स्ट राइड पे निकल चुके हैं। सो गाइस, अभी पहुँचे भरूच वाले टोल प्लाजा पे, नर्मदा ब्रिज टोल प्लाजा। और पहला ब्रेक मैंने यहाँ पे लिया है बिकॉज मुझे जाना है सिसु करने के लिए, बट कोई भी पेट्रोल पंप आ ही नहीं रहा बीच में। सा ऑलमोस्ट हमने कितने किलोमीटर पता है, 93 है ना, 60-70 किलोमीटर हमने कवर कर लिए। तो अभी जब उजाला होगा तब मैं शूट करने के लिए खड़ा रहूँगा अभी। और हमारी बाइक कुछ ऐसी लग रही है जो कि दिख ही नहीं रही है बिकॉज अंधेरा ही इतना है। रुको, फेस लाइट है ना अपनी, हाँ ऐसी दिख रही है, देखो बाइक। तो चलते अभी क्योंकि आगे आएगा ब्रिज, तो उसके लिए मैंने कैमरा माउंट कर दिया है। तो लेट्स गो, हमारा छोटा सा ब्रेक 10-15 मिनट का ख़त्म होता है। तो गाइस, आ गया हमारा आज का दूसरा टोल प्लाजा। और मुझे लग गया भाई ठंड, हाथ शून्य हो गए और मेरे ग्लव्स है बैग के अंदर और बैग है उल्टा, तो उसको भी सीधा भी नहीं कर सकता मैं। तो अभी मस्त उजाला हो चुका है, अभी एक मस्त सा ब्रेक लूँगा, उसके बाद आपको सब कुछ बताऊँगा। तब तक के लिए राइड कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अभी रुके तो एक काम और कर लेते, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल देते और मस्त स्नैप ले लेते बिकॉज इन्फ्लुएंसर है, ये सब काम में आता है हमारे। तो हेलमेट अभी नहीं निकालूंगा बिकॉज ये सब मुझे निकालना पड़ेगा इसीलिए। तो अभी मैं जब ब्रेक लूंगा तभी आपको सब कुछ मस्त से वीडियो स्टार्ट करते हैं और सब कुछ बताता हूँ आपको। सो गाइस, चलते अभी यहाँ से, छोटा सा ब्रेक खत्म हुआ, घर पे कॉल वगैरह भी कर दिया। अभी माउंट लगाता हूँ क्योंकि अभी मुझे मैप की ज़रूरत है थोड़ी सी। तो थोड़ी देर बाद अभी हम वीडियो शूट करेंगे, तब तक के लिए टोल प्लाजा को कहते बाय बाय और निकलते हैं। और सामने एक और राइडर आ चुके हैं।
तो गाइस गूगल मैप हमें अभी कोई से भी रास्ते से तो ले जा रहा है, बट यहाँ पे मुझे शिव जी के दर्शन हो गए हैं जो कि मुझे करने थे, बिकॉज ट्रक जाता है बाद में बताता हूँ। बिकॉज आज है शिवरात्रि तो मैं मंदिर नहीं जा पाया था, तो अभी यहाँ से ही शिव जी के दर्शन करते हैं। बोलो हर हर महादेव। हाँ, मेरी इच्छा थी इस राइड पे कि मैं रास्ते में कोई मंदिर पे दर्शन करूँ, बट इतने मस्त से शिव जी जो तालाब के बीच कुछ है ऐसा बनाया हुआ है डैम जैसा, उसके बीच में शिव जी की मूर्ति है। और गूगल मैप मुझे पता नहीं ये वाले रास्ते से ले जा रहा है, तो मैं मस्त वो राइड एंजॉय करते करते जा रहा था और ये मुझे शिव जी दिख गए। भाई क्या ही नसीब है मेरा, मस्त मुझे इच्छा थी ऐसे दर्शन करने की और हो गए दर्शन। सो गाइस ये रहा अपना हाईवे जो भी अभी कंटिन्यू से चल ही रहा था, बट अभी मैं एक रेस्टोरेंट पर रुका हूँ। वैसे मुझे खाना कुछ नहीं है, बट हाँ वाइजर वगैरह साफ़ करना है बिकॉज इस पर बहुत सारे मच्छर मर चुके हैं, और कॉल भी करना है घर पे इसीलिए। तो अभी हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है 9:16। सो वेलकम बैक टू द चैनल, और मस्त सी राइड में आप लोगों का स्वागत है। वैसे अभी मैं एक होल्ड के लिए रुका हूँ, वैसे आज मेरा फास्ट है महाशिवरात्रि है, तो कल भी मेरा फास्ट रहने वाला है, तो दो दिन तक फास्ट ही है। और अभी मैं ये वाला हाईवे है तारापुर एक्सप्रेस हाईवे, तो इसमें मतलब मुझे रुकना था बट होटल ही नहीं आ रहे थे, तो बाद में एक होटल आया तो मैं यहाँ पे रुक गया हूँ क्योंकि इस पे बहुत सारे मच्छर मर चुके हैं, तो इसको साफ करना है और घर पे कॉल वगैरह भी करना है, तो इसलिए एक छोटू सा ब्रेक और नाश्ता वगैरह करते और निकलते बाद में। भाई जो धूल मिट्टी लगी है मेरे हाथों में मुंह पे इस वाले जैकेट पे पूरे ये देखो गंदा हो चुका है, और एक यहाँ से वॉच से आपको पता चल जाएगा कितनी मिट्टी उड़ी है। देखो रास्ते में पूरा मेकअप कर दिया मिट्टी से मैंने, तो आज मेरा फास्ट है, कल भी फास्ट है, और घर से मैंने फ्रूट्स वगैरह चिप्स वगैरह और मम्मी ने मस्त सुबह सुबह शरबत वगैरह बना के दिया है जो भी मैं पीऊँगा, बिकॉज सुबह मैंने सिर्फ 2 ग्लास पानी पिया था बाकी कुछ नहीं। तो अभी फ्रूट्स में सिर्फ बनाना है, बनाना खाता हूँ, अपना नींबू शरबत पीता हूँ और निकलता हूँ। फिर भी मैं यहाँ से पहुँच जाऊँगा 12-1 बजे तक। मैं जा रहा हूँ मेरे गांव पे पहले दर्शन करने, बाद में धीरे धीरे आपको बताऊँगा कहाँ पे जा रहा हूँ। तो अभी ऐसे इंजॉय करो, पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाओ और सब्सक्राइब तो करते ही जाना। तो अभी ये रहा नींबू शरबत, ये रही चिप्स, और हमारे पास है फ्रूट्स। तो जल्दी से यहाँ से नाश्ता करते और निकलते। मैं सोचा था इस वाले स्टैंड को मैं साथ में ले जाऊंगा ताकि इसको मैं मतलब कहीं पे भी अगर मुझे शूट करना हो बाइक को साइड में रख के तो मैं इससे शूट कर पाऊँ, बट ये वाला बैग मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो अभी ये निकालने के लिए मुझे ये बंजी कॉर्ड निकालनी पड़ेगी, ये रबर बैंड खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये बैग खोलना पड़ेगा, तो वो सब तामझाम मैं करने वाला हूँ नहीं। मैंने हेलमेट सामने रख दिया बिकॉज मैं यहाँ पर बैठा था, नाश्ता वगैरह किया मतलब फ्रूट्स खाए, और ये अभी पावर बैंक मैंने चार्ज पर लगा दिया है, तो ये मुझे नंबर नहीं दिखाना, अनिल भाई का नंबर है। एक ये वाला बैग है मेरे पास हैंड बैग, जिसमें एक्सेसरीज चार्जर केबल वो सब है, इसमें मेरे कपड़े वगैरह शूज़ वगैरह है बस, और वो मेरा हेलमेट भी ले लिया। इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाल दी, जो नया वाला शॉर्ट्स है वो भी आ चुका है चैनल पे, तो नहीं देखा तो देख लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम हैंडल भी ये रहा, यहाँ पे भी फॉलो करते आओ। और अभी हम हमारी राइड कंटिन्यू करते हैं, वैसे वही हाईवे है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको, अभी वही हाईवे मुझे 80 किलोमीटर तक जाना है, उसके बाद 40 किलोमीटर और जाना है, मतलब ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर बाकी है शायद से। सो गाइस अभी एक टोल प्लाजा क्रॉस किया, और यहाँ से अभी एक है बगोजरा है यहाँ से 30 किलोमीटर, और वहाँ से हमें जाना है 40 किलोमीटर, मतलब टोटल अभी 70 किलोमीटर जितना बाकी है। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं बगोजरा, और ये वाला जो सामने हाईवे दिख रहा है वो है अहमदाबाद राजकोट हाईवे, अहमदाबाद इस तरफ राजकोट इस तरफ, देखो ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है। तो हमें जाना है राजकोट की साइड पे, यहाँ से कम 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर शायद से, और हमारी देखो फुल टैंक था अभी, टैंक इतना है, और किलोमीटर थे 9830, उसमें से हुए है 10074, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में नहीं पता, 74 को 74 ऐसा कुछ बोलते हैं।
तो अकाउंट कर लो कितने हुए, ऑलमोस्ट 200 समथिंग समथिंग हो गए किलोमीटर, 200 प्लस हो गए। मतलब अभी रुका तो ऊपर, बाइक से उतरने का मन नहीं कर रहा है, उतरूंगा ना तो सारा बॉडी पेन करेगा। मतलब मैं लेग मार के आया था, मेरा लोअर बॉडी पूरा पेन कर रहा था कल, आज थोड़ा बहुत है, आज ज़्यादा नहीं है, बट आज मतलब है बैक पेन थोड़ा सा है, बिकॉज मैं लोअर बॉडी मार के आया था पूरा एक्सरसाइज, तो मेरा पेन हो रहा था, ऊपर से आज बैठा हूँ मैं पूरा, तो थोड़ा बहुत तकलीफ होने वाली है। बट अभी वाइजर साफ करूँगा, थोड़े से सॉन्ग सुनते सुनते जाएंगे, बिकॉज अभी बोरिंग लग रहा है, दोपहर का टाइम हो गया ना इसीलिए। और मैं सुबह 4 बजे से राइड कर रहा हूँ, मतलब 4:30 बजे से टाइम हो रहा है, टाइम भी नहीं दिख रहा है धूप की वजह से, 10:59 यानी कि ऑलमोस्ट 11 बज गए, और टेम्परेचर 20 समथिंग है, 70-20 ऐसा हो रहा है, तो ठंडा है, मौसम अच्छा है, बट ये वाइजर भाई एक नंबर है, जिसकी वजह से मुझे धूप भी नहीं लग रही है, सनग्लासेस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी चश्मा वाले लोग हैं, ऐसा होता है हमारे साथ। बट अभी थोड़े बहुत गाने सुनते सुनते जाएंगे, थंबनेल के लिए फ़ोटो चाहिए थी, बट कोई है ही नहीं इधर फ़ोटो खींचने के लिए, क्या ही थंबनेल के लिए फ़ोटो खींचेंगे हम। तो गाइस ये है मेरा गांव, और मैं पहुंच चुका था अपने गांव पे, और यहाँ से पहले जाता हूँ मैं दादा के घर पे, यानी कि पापा के बड़े भाई, हम उनको दादा कहते हैं, और उनके वाइफ यानी कि वो बाबू, उनको हुआ था पैरालिसिस, तो उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते, तो सारा काम घर पे दादा करते हैं, तो उन्होंने चाय बनाई, हमने चाय वगैरह पी, और उसके बाद हम थोड़ी देर बैठते बात वगैरह करते, उसके बाद मैं और दादा यहाँ से जाते हैं हमारे मठ पे, यानी कि मंदिर पे, जो हमारे कुलदेवी है, वहाँ पे मुझे दर्शन करने के लिए जाना था, तो हम दोनों साथ में जा रहे थे, बट मेरे पैर की हालत एकदम टाइट हो चुकी थी। बट हम वहाँ पे आते हैं दर्शन वगैरह करने के लिए, पहले तो हम हवन वगैरह करने के लिए लकड़ियाँ लाए थे, तो वो ठीक से करते, उसके बाद मैं नारियल था उसके जो छाले थे वो निकालता हूँ, हवन वगैरह रेडी हो चुका था, उसके बाद मैं जाता हूँ मढ़ में, मस्त दियाबत्ती वगैरह करता हूँ, मतलब कि भगवान की पूजा वगैरह करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, मैं सूरत से 350 समथिंग किलोमीटर कवर करके सिर्फ अपने गांव पे दर्शन करने आया था, और यहां से दर्शन करने के बाद मैं कहीं और जगहों पे भी जाता हूं, आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अब यहाँ पर रुका था, यहाँ से बड़ोड़ा ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर होगा शायद से, तो अभी थोड़ी देर बाद चलते, हम तो लड़के कहीं पर भी शिशु कर सकते हैं।